जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज एक हेल्थ कैंप और वैक्सीनेशन कैंप दोनों लगा है। ये सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप नहीं है और हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी काफ़ी देर तक रहेगा इंशाल्लाह। जो भी लोग आना चाह रहे हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं लगाएं और जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू हो, बेसिक हेल्थ इश्यूज़ हो, वो आके यहाँ पे इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं, पर हमारे साथियों ने पहले भी किया हुआ है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि हमने पहले भी पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में डीजे हल्ली, मुनेश्वरा नगर, कुशाल नगर और दीगर इलाकों में हमने काफ़ी सारे कैंप किए हैं। खलासी पालिया में हमने कैंप डाला था, तो हर जगह माशाल्लाह जहाँ जहाँ पर हमारे वार्ड ऑफिस हैं वहाँ पर हर जगह हमने कैंप चलवाएँ। और माशाल्लाह पुलकेशी नगर में कम से कम हमने 35 से 40 वैक्सीनेशन कैंप कर दिए हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ काफ़ी मेडिकल कैंप्स भी हैं। और आने वाले दिनों भी इंशाल्लाह सिर्फ इसी इलाकों में नहीं, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत है, जहाँ पर भी कैंप्स की ज़रूरत है या दूसरी दीगर ज़रूरत है लोगों की, इंशाल्लाह हम वहाँ जगह पहुँचेंगे इंशाल्लाह और भी कैंप करेंगे। और हम बार बार अपील करते हैं कि आइए वैक्सीनेशन, जिन लोगों ने नहीं दलवाया या जिसने पहला डोज लिया है और दूसरे डोज ना लोगों ने नहीं लिया, काफ़ी सारे लोगों ने, और वो मैं हम उनसे अपील करते हैं कि आके लें, अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं। क्योंकि ये जो कोविड का वक्त जो है, देखिए अभी कोविड ख़त्म हुआ तो नहीं है और ये रहेगा काफ़ी दिन तक, तो इसकी हमें उसका अपना प्रोटेक्शन करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो आप सबको हम गुजारिश करते हैं कि आप आए और वैक्सीनेशन दलवाएँ। मकसद जो है यहाँ पर जो कैंप लगा है, मकसद लोगों के क्या बोलते हैं, लोगों की सहूलियत की वजह से लगा है, ये कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं है। देखिए यहाँ पे आप ये समझें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नेशनल लेवल पार्टी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ये हमारे सदर को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और पूरी पूरे भारत में उनको लोग जानते हैं, उनको पूरे भारत में उनका सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस को ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मजलिस का सपोर्ट नहीं है। भारत के हर इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे उभर कर आ रही है इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह एक बड़ी हमारी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। कैंप रखा गया है, कितने लोग सवेरे से आए हैं और कितने लोग आने का अभी है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अभी कैंपिंग सुबह से शुरू हो चुका है, अभी बहुत लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे और इसके बाद ये काम को अंजाम रखेंगे। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये कैंपिंग चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इस मरतबा यहाँ किया है, अगली बार मशवरे के साथ दूसरी जगह तय करेंगे, जिस जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ पर हमें पूरी सहूलत करने का इंतज़ाम भी करेंगे। ये हर वीक में एक मरतबा करने की हमारी सोच है, एक एक जगह अलग अलग जगह तय करके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एमएएम की तरफ से ये चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला कैंप है। माशाल्लाह बेंगलुरु में बहुत सी जगह बहुत सारे कैंप लग चुके हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला कैंप लगा हुआ है। इंशाल्लाह इसके बाद में अलग अलग जगह पे कैंप लगने की ये है इंशाल्लाह। यानी कि आप हर संडे कैंप लगाएंगे? इंशाल्लाह वही टारगेट रखकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह और भी ज़्यादा लगाएंगे। चामराजपेट के पूरे हलके के अंदर जितना ज़्यादा हो सके, जितनी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह उससे और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।